श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 66वें श्लोक में आए थे। न जीव ब्रह्मणो भेदः पिंड ब्रह्मांड भेदतः व्यष्टे समष्टे हे एकत्वात् इति वेदांत डिंडिमः। हमारा स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह या पंचकोश, इनका यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हमारे व्यष्टि वाणी व्यक्तित्व, व्यष्टि में जो है उसका संबंध समष्टि के साथ होना आवश्यक है। जैसे हम में जो हवा है जिसको प्राण कहते हैं, इस प्राण का संबंध यदि समष्टि हवा से टूट गया तो हरिओम। इसी प्रकार से हमारी जो व्यष्टि की अग्नि तत्व है, ऊर्जा, उस अग्नि का यदि समष्टि अग्नि तत्व से संबंध नहीं हो गया तो हो गए ठंडे। माने हमारा व्यक्तित्व समष्टि पर अवलंबित इसलिए है कि समष्टि और व्यष्टि ये अलग अलग नहीं है। जैसे समुद्र समष्टि है और लहरें व्यष्टि है, लेकिन दोनों ही पानी ही तो है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है कि हमारा स्थूल देह स्थूल जगत के सिवा नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म देह, देखो सूक्ष्म देह समष्टि देह पर, समष्टि सूक्ष्म देह पर अवलंबित होता है। जैसे हम लोग यहां पुणे के हैं, तो यहां जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी विचारधारा भिन्न होगी, और जो समझो कराची में बड़े हो रहे हैं उनकी विचारधारा भिन्न होगी, क्योंकि व्यष्टि पर समष्टि का प्रभाव स्वाभाविक है। इसीलिए व्यष्टि और समष्टि अलग अलग नहीं है। केवल सबको मिलाकर के जब कहते हैं तो समष्टि है, और एक को कहते हैं तो व्यष्टि है। इसीलिए जीव ब्रह्मणो भेदः पिंड ब्रह्मांड भेदतः न, तो हम में और समष्टि में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। जैसे हमारी भूख और किसी की भी भूख ले लो, वही बात है। हमको ऐसे लगता है कि ये जो पक्षी दिखने के लिए इतने सुंदर सुंदर दिखते हैं, लेकिन कीड़े खाते हैं। देखो ये सुअर जो है गंदगी खाते हैं। हमको जो श्रीखंड खाने से आनंद आता है, वैसा ही आनंद सुअरों को गंदगी खा के आता है, क्योंकि क्षुधा शांति ये सामान्य तत्व है, ये अलग अलग नहीं है। देखो इसीलिए न जीव ब्रह्मणोर भेद पिंड ब्रह्मांड भेदतः, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जीव और ब्रह्म क्या अलग अलग है? कल हमने आपको बताया था, जैसे आदमी और पति क्या अलग अलग है? उसी आदमी को पति कहते हैं जो कहीं फंस गया। तो यह जो जीव और ब्रह्म है ये अलग अलग नहीं है। इस सिद्धांत को वेदांत में बताते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः। अब ये सिद्धांत समझ लेना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत किसको कहते हैं?
पांच चीजों को मिला करके जगत होता है। जैसे आभूषण किसको कहते हैं, तो तीन चीजों को मिला करके आभूषण होता है। एक है सुवर्ण, दूसरा है उसका नाम, तीसरा है उसका रूप। ये तीनों को मिला करके आभूषण होता है। यदि नाम रूप नहीं होगा, केवल सोने की ईंट होगी, तो उसको आभूषण नहीं कहते। और बिना सुवर्ण के नाम रूप की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से ये जो जगत है, इसमें पांच बातें होती है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम्। पांचों को मिलाकर के जगत होता है। तो इस पांच में से आद्यत्रयम् अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, यही ब्रह्म है, और जगत रूपम ततो द्वयम्, नाम रूप जो है वही जगत है। अब ध्यान से सुना, बड़े सूक्ष्म विचार है। नाम रूप की सत्ता कहां है? नाम रूप की सत्ता केवल मन में है। यदि आपने अपने मन को नाम माने शब्द, शब्द के अभाव को विषय बनाना बताया, तो देखो क्या होता है। माने लिसन टू साइलेंस, अभी शुरू करो। देखो, अपने अनुभव को पहचानो। यदि नाम या शब्द नहीं होगा, तो मन जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हम हमेशा अपने आप बोलते रहते हैं। देखो, हम जो आपको बताते हैं ना, ये चित्त वृत्ति निरोध के चक्कर में मत पड़ना, उसके स्थान पर अपने आप से बोलना बंद करना। अब इसके पीछे देखो सूक्ष्म बात है। ये चित्त वृत्ति निरोध जो पतंजलि वाले के योगा वाले हैं, किसी का नहीं हुआ, मैं गारंटी देता हूं। कारण क्या है? उन्होंने गलत समझा है। कैसे? हम जब घर से निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं ना, कि कोई नग्न निकलता है? नहीं, कपड़े पहन के निकलते। इसी प्रकार से मन से वृत्तियां शब्दों के कपड़े पहन करके निकलती है। बिना शब्द के विचार करके देखो, देखो संतो, तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसकी सत्ता कहां है? मन में। और रूप अंधकार हो, घना, और आपकी आंखें खुली हो। क्यों आंखें खुली है? तो आप देख रहे हो, लेकिन देखने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए वह देखना जिसमें देखा गया और देखने वाला पैदा नहीं होता, वो है तत्व, वो है परमात्मा। देखो, इसीलिए यह जो जगत जगत जो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सच्चिदानंद, ये सत्य है। ये नाम रूपात्मक जगत, ये सत्य नहीं है।
लेकिन हमने ये नाम रूप को इतना महत्व दे के रखा है, एक बार हम हरियाणा में कहे थे, हरियाणा के लोगों की विनोद बुद्धि बड़ी तेज है, पूना वालों से भी। स्वामी जी आपको किसने बताया पूना वालों को बुद्धि भी है? विनोद बुद्धि तो छोड़ दो। तो हम कहीं जा रहे थे और हमारी गाड़ी रुक गई, तो हम उतरे और वहां एक खेत में पानी आ रहा था, हम वहां गए। हमने कहा चौधरी जी 2 मिनट बैठ ले, गाड़ी ठीक हो रही है। बैठो बैठो, आजा बैठो, बैठ गए। और फिर उन्होंने बांग लगाई, अरे कमिश्नर पानी ले आ। तो मैं थोड़ा चकरा गया, कमिश्नर को पानी दे बोला। फिर कमिश्नर आ गया, एक यूजलेस लड़का पानी लेके आ गया लोटे में। फिर उसको डांटा, बेवकूफ पानी के साथ पीड़ा नहीं लाया, अरे गवर्नर पीड़ा ले आ। ये दूसरा लड़का है पीड़ा लेकर के, तो मैं देख रहा था। बोले बाबा जी देखो मत। क्यों? बोले अपन तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो कौन हो गवर्नर का बाबू? देख लो। तो ये नाम रूप का कोई मतलब थोड़ी है, लेकिन इसी के पीछे पूरा जीवन चला जाता है। देखो महाराज, हमारे वृंदावन में अनेक भगवान कृष्ण की लीला के स्थान है। वहां एक स्थान पर हम गए, तो वहां के जो पंडा था, जो भी व्यक्ति था, उसने कहा कि अरे महाराज जी आप आगे बड़े भाग्यवान हैं आप। हमने कहा धन्यवाद। बोले देखो वहां चारों तरफ जमीन पर मार्बल के पत्थर लगाए थे, और बोले देखो इस पर सबके नाम लिखे, महाराज जी आप भी अपना नाम लिखवा करके इस पर पत्थर लगा दो। लगा दो कोई कहा न्यू ना कहा क्यों गए लगा दो। बोले इसके आपको 2500 रुपये पड़ेंगे। ठीक है पेमेंट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कर दो पेमेंट। बोले नहीं नहीं महाराज जी ऐसे कि आपको देना पड़ेगा। हमने मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कैसे दूं आपको। बोले देखो इसका महत्व आपको समझाता हूँ, फिर आपके पास पैसे आएंगे। बोले जो आदमी इन लोगों के नाम लिखे है इस पर कदम डालेगा, तो उसके पुण्य इस आदमी को जो कदम डाल रहा है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने कहा ये तो ब्लूटूथ से भी आगे है। वो NFT है ना, नियर फाइल ट्रांसफर। तो वहां गए और पुण्य ट्रांसफर हो गए। नहीं ये तो बड़े गड़बड़ की बात है। अब ये पत्थर पर जो नाम लिखा है पत्थर को भी मालूम नहीं, जो उसके ऊपर पैर दे रहा उसको भी मालूम नहीं, लेकिन मेरा नाम अमर हो जाए। यही नाम रूपात्मक जगत है। एक बार और आपको बताऊं, मुंबई एयरपोर्ट की हम बैठे थे अपने फ्लाइट के लिए, उतने में एक सिंधी जेंटलमैन आ गए और मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ बैठूं क्या? नहीं मुझे क्या मालूम, बैठने तो बैठूं। बैठ गए। बोले बाबा जी आपका नाम क्या है? हमने कहा आपने ठीक पहचाना बाबा जी। बोले आपके गुरु कौन है? तो मैंने उन्हीं के चरण छुए, मैंने गुरु महाराज आप मेरे गुरु। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे जाते हो यहाँ से? हमने कहा देखो बोर्डिंग पास है, फ्री नहीं जा रहा। बोले आपको पैसे कौन देता है हवाई जहाज से जाने के लिए? हमने कहा जैसे आप मुझे मिले। अब जाते समय खाली हाथ जाओगे क्या? कुछ ना कुछ देके ही जाओगे। मारा गया। लेकिन आपने अपना नाम आश्रम कुछ बताया नहीं, हमने कुछ हो तो बताया ना। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा हम फुल हेड से काम करते, क्वार्टर हेड से काम नहीं करते।
जो क्वार्टर हेड से काम करते हैं उनका हेडक्वार्टर होता है, हम जहां हैं वहां पूरे हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। बोले आप मुझे दूसरे महात्मा मिले जो नहीं ठीक से बोलते, आपका भाग्य में क्या करूं। बोले एक थे प्रज्ञा चक्षु, वृंदावन में रहने वाले थे स्वामी चरणानंद जी महाराज, वो कभी भी अपने बारे में कहीं नहीं बोले। प्रज्ञा चक्षु माने अंधे थे, उन्होंने उन दिनों में 1940-30 की बात होगी, उन दिनों में चारों जो तीर्थ क्षेत्र है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, उन्होंने 5 बार यात्रा करी थी अंधे होते हुए, इतना उनका प्रभु पर समर्पण था। इसीलिए ये नाम रूप के चक्कर में अपने आप को मत फंसाओ, ये कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। अब मिथ्या शब्द का अर्थ समझ, मिथ्या माने क्या, तीन चीजें होती है, एक होना सत, दूसरा नहीं होना असत, और तीसरा न होते हुए भी प्रतीत होना, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त होता नहीं दिखता है, जैसे क्षितिज या होराइजन दिखता है होता नहीं, जैसे इंद्रधनुष दिखता है होता नहीं, इसी प्रकार से ये जगत दिखता है होता नहीं। आप कैसे कहो, अब ध्यान से सुनना, किसी ने भी सपना ये सपना है ऐसा नहीं देखा, सपना हमेशा जागृत के इतना ही सॉलिड लगता है। सुकाले सत्यवत भांति प्रबोधे सती असत भवे, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब सपना चल रहा है तो एकदम ठोस लगता है, कई बार उल्टा सीधा सपना पड़े तो छाती की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है। यदि वो सपना सपने के रूप में देखो तो ये नहीं हो सकता था। तो उस सपने को चलते समय यदि आपको सपने के ही एक आदमी ने बताया कि भाई ये सपना है सीरियस मत लेना, तो मानोगे? इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है ना, ये सॉलिड लगता है, और इसी में से एक आदमी ने आपको बताया और वो आदमी है जीवन मुक्त कि भैया ये नाटक है सीरियस मत होना, आपको क्या पता। देखो ये सरल सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। सपने से उठने के बाद हम बड़ी डींग हांकते हैं, कुछ नहीं हुआ, हाथ पैर तो कांप रहे, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग जाता है इसके लिए ये जागृत सपना भी उतना ही मिथ्या है। भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, इसका कारण उनके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब समान है, कोई फर्क नहीं। देखो अब ये मिथ्या किसको कहते हैं, जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है उस अनुभूति को मिथ्या कहते हैं। जैसे ये मृग जल, मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, ये कभी भी थोड़ी दिखते हैं। जब दोपहर का समय हो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर परपेंडिकुलर गिर रही हो और गर्मी कसके हो, तो वो जो किरणें हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो किरणें पानी के रूप में दिखती है और यहां तक दिखती है, उधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसका प्रतिबिंब भी दिखता है उसमें, लेकिन वो होता है क्या? माने किसी वस्तु का अनुभव होना ये उस वस्तु के होने का प्रमाण नहीं है।
अब ये सिद्धांत ले आओ, ये जागृत अवस्था कब होती है? जब हमारा देह के साथ तादात्म्य है तभी ये जागृत अवस्था होती है। जहां देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, जैसे स्वप्न सुषुप्ति या समाधि, उस समय हम कहां होते हैं, क्या होते हैं और कब होते हैं, तीन बातें। देश काल वस्तु, कहां होते हैं देश, कब होते हैं काल, क्या होते हैं वस्तु, सब गायब हो गया। देखो संतो, तो ये जो जागृत अवस्था जिसको हम ठोस सत्य मानते हैं, इसका थोड़ा चिंतन करें, बाकी कुछ नहीं करना है। कि ये जागृत की अनुभूति हमको परिस्थिति विशेष में ही होती है, हमेशा नहीं होती। जब ये बात समझ में आएगी तब आप इसको लेकर के परेशान होना बंद हो जाओगे। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत निकल गया, अब जीवो ब्रह्म ही बना परहा। अगली बात, जैसे पति कौन है? आदमी और पत्नी रूपी दर्पण, और उस पत्नी रूपी दर्पण में आदमी का प्रतिबिंब, ये तीन मिला करके पति पैदा होता है। अब ये तीनों में सत्य क्या है? यदि पत्नी रूपी दर्पण निकल गया तो प्रतिबिंब होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन आदमी बचा रहेगा ना, तो सत्य क्या है? आदमी सत्य है कि पति सत्य है? इसी प्रकार से ब्रह्म का, परमात्मा का प्रकृति में जो प्रतिबिंब है, ये तीनों को मिला करके जीव कहा जाता है। ध्यान से सुनना, बिजली का बल्ब में जो प्रतिबिंब है प्रकाश, इन तीनों को मिला करके बिजली का प्रकाश कहते हैं। ये तीनों में सत्य क्या है? ना बल्ब सत्य है, ना प्रकाश सत्य है, बिजली सत्य है। और आगे चलो, यदि यह जो प्रकाश है, ये भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है या टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, तो कोई बल्ब का लाइट टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है तो वो क्या अपवित्र होगा? और क्या यदि वो भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है तो पवित्र होगा? नहीं। और आगे चलो, हमारी आंखें भगवान के विग्रह को देखती है और गधे को देखती है, तो चाहे विग्रह को देखे गधे को देखे, क्या हमारे आंखों पर उसका कोई परिणाम है? हमारे मन में चाहे अच्छे विचार आवे बुरे विचार आवे, मन पर कोई परिणाम नहीं। और आगे चलो, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो चाहे समाधि हो, ये तो चला चली का खेला, जो चैतन्य इन चार अनुभूतियों को आधार दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है, इस पर इन चारों का कोई प्रभाव नहीं है और इसमें हमको करना कुछ नहीं है। कितनी सहज बात है। ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अनडूइंग, इट इज नॉट डूइंग समथिंग, इट इज नॉट बिकमिंग स्पिरिचुअल, इट इज अनबिकमिंग व्हाट एवर यू हैव बिकम। आदमी पति बन सकता है, पति आदमी कभी नहीं बन सकता, कारण वो ऑलरेडी आदमी है, उसको बनना थोड़ी है। हम ब्रह्म बनते नहीं, हम ब्रह्म है। अब इतनी सारी ट्यूबलाइटें हैं तो अनेकता है, लेकिन क्या प्रकाश अनेकता है? इसी प्रकार से ये इतनी ट्यूबलाइटें बैठी हुई है, अनेक है,
इसमें जो प्रकाश माने जो जीवन है, क्या वो अलग है? जीवन सब में सामान्य है, लेकिन जीवन को जीवन न समझ करके हमने जीव समझ लिया है। ये जीवन को जीव समझ लेना ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है। संतो, हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है, हम व्यक्ति नहीं है। तो जीव यह व्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति है। देखो, जैसे प्रकाश बिजली की बल्ब में अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति सिद्धांत तो होता है। यदि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट प्रकाश निकल करके दूसरे बल्ब में जाएगा क्या? यदि यहां ये देह परमात्मा को चेतना के रूप में, मन के रूप में प्रकट करने में सक्षम नहीं है, तो यहां से लाइफ निकल गई तो क्या दूसरी जगह घुसेगी? देखो संतो, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। आपने जब स्विच ऑन किया तो लाइट पैदा हुआ क्या? स्विच ऑफ किया, अरे मर गए? नहीं, जीवन को जीवन ही समझे, जीवन को जीव ना समझे। देखो, जैसे पति यह कॉमन नाउन है, सामान्य नाम है, विशेष नाम नहीं है। इसीलिए पति होकर के आप दुखी हो रहे हो तो इट इज अ कॉमन फैक्टर, हर एक पति दुखी होता है। जहां राम परेशान हुआ, आप जगजीवन राम हो तो आपको कहां खुशबू मिलेगी? देखो संतो, ये बातों को समझ लो ना तो जीवन में मस्ती आ जाती है, नहीं तो हर चीज को लेकर के रोते रोते रहना खोते के जैसा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परहा। इसीलिए ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना, सभी विशेषताओं का त्याग हो गया तो जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। और हम लोगों को लगता है आध्यात्मिक साधना माने विशेषता आ गई, और क्या विशेषता होगी? जो हम चाहते हैं वो। देखो, एक सज्जन मुझे कहीं मिले, बड़े एक्साइटेड थे उन्होंने, और फिर वो हमसे बड़े गुस्सा करने लग गए, उल्टी सीधी बातें लिखने लग गए। बोले ये कैसे स्वामी है, सिनेमा देखते हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं, उन्होंने ये पूरी प्रार्थना भी नहीं करी, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभी जैसे आया खाना शुरू कर दिया। हमको ब्रांडेड माल चाहिए, अध्यात्म कोई ब्रांड नहीं है संतो। देखो, ये तो कितने ब्रांड होते हैं, छापे के भी ब्रांड होते हैं, .com, यूटर्न, वाय, रेलवे की लाइनें, बिजली के खंबे, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, वैजंती माला, ये सब डिफरेंट ब्रांड्स है महाराज। यदि आप में ब्रांड वैल्यू नहीं है तो आप खपोगे नहीं दुनिया में। संतो, अध्यात्म में विशेषता निर्माण नहीं करनी। ब्रह्म में क्या विशेषता है? चाहे पुरुष हो वही भी प्रकट हो रहा है, चाहे गधा हो वहां भी प्रकट हो रहा है, चाहे गधा पुरुष हो वहां भी प्रकट हो रहा है। पुरुष गधा ही होता है, ये तो शादी क्यों करता है? जीवन बिल्कुल सहज बन जाता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परहा।
यह जीव परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। देखो हमने योग वाशिष्ठ में देखा ना, वो जो पुत्र थे ऐंदव राजा के 10 पुत्र, उन्होंने यही तीव्र भावना करी कि हम ब्रह्मा जी है, हम जगत का निर्माण करेंगे, हम ब्रह्मा जी है, और इतनी तीव्र भावना करी कि वो स्वयं ब्रह्मा जी बन गए। इसलिए अपने आप को कोसना बंद कर दो, पापो हम पाप कर्मा, आई एम अनफॉर्चुनेट, आई एम अनलकी, यू आर वेरी लकी स्वामी जी, न देखो हमारे लक को जानना है तो हमारा जूता पहन के देखो कहाँ काटता है, हमको ही पता है। एक बार एक अम्मा दिल्ली की बोले, स्वामी जी आपके साथ हमको जाने का मन करता है क्योंकि आपको खाने को बहुत अच्छा मिलता है। हमने कहा चलो, आ गए हम गए राजस्थान में जयपुर में। हमने कहा अम्मा तुमको सब फ्री है, सिर्फ खाने को ऑप्शन नहीं, जितनी जगह मैं जाऊंगा उनको आके खाना खाना है, सत्संग को आओ नहीं आओ कोई बात नहीं। तीसरे दिन वो आई, इतने पक्के मेरे पैर पकड़े, स्वामी जी आप मुझे मारो डंडे से, खाने के लिए मत ले जाना। हमने कहा आप देखो ना मजे है ना खाने के, खाके देखो मध्य प्रदेश फट जाएगा। और ये खिलाने वाले क्या कहते, स्वामी जी हमने इतना प्यार से बनाया है थोड़ा तो खा। अरे अम्मा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खा लो। देखो संतो अपने में विशेषता निर्माण मत करना। रामदास स्वामी कहते हैं अपनी साधना इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए किसी को कोई संशय भी ना आवे कि आप अध्यात्म में हो। देखो इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए साधना में। अच्छाई लोगों के सामने कभी नहीं लानी है, अच्छा ही अपने अंदर का भाव है। ऐसा जो है जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान, तद विद्वान उसने इस तत्व को अनुभव किया है, विद्वान अनुभवी उसको कहते जीवन मुक्ता। जीवन मुक्ता माने अब वो जीव नहीं है, अब वो जीवन हो गया। इति वेदांत डिंडिमा, तो इसमें पूरी साधना आ गई, तो आध्यात्मिक साधना इसको कहते हैं। बाकी जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा यदि आपको अंतर्मुखी होने में सहायता मिल रही हो तो बढ़िया है, लेकिन उसके कारण आप एकदम ब्रांड में फंसे हो या दुराग्रह में फंसे हो तो वह साधना नहीं है। अनाम रूपम सकलम सन्मयम चिन्मयम परम कुतो भेदक कुतो बंधः इति वेदांत डिंडिमः। अनाम रूपम सकलम, जहां ना कोई नाम है ना कोई रूप है, और सन्मयम चिन्मयम परम, जो चेतन सत्ता है। अब इसको एक पढ़ करके नहीं होता, अपने में इसके एक्सपेरिमेंट करना है। अनाम रूप, हमने आपको कल बताया था रूप रंग विषयों में है, इस विषयों को प्रकाशित करने वाली दृष्टि का रूप नहीं रंग नहीं। इंद्रियों में रूप रंग है, आकार है, विशेषता है, आंखें देखेगी ही, कान सुनेगी ही, विशेषता है, लेकिन इन विशेषताओं का जो आधार मन है, इस मन में कोई विशेषता नहीं है। मन सुनता भी है, देखता भी है, चखता भी है और सब कुछ करता है। माने जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे सब विशेषता अपने आप गल जाती है। देखो आप अपने आंखों से
हमारे पीछे जो भगवान खड़े हैं उनको देखो और अपना अनुभव करो, तो आपका अनुभव होगा कि आप अपने से दूर चले गए हो। उसके बाद अब वहां से आंखों को हटाओ और अपनी आंखों को ये कैमरे पर ले आओ, तो आपका अनुभव होगा आप अपने थोड़े नजदीक आ गए हो, डिस्टेंस कम हो गया। अब अपने ही आंखों से अपने ही आंखों को देखो, दृष्टि गायब हो गई। इंद्रिय में रहोगे तो बहिर्मुखी होगे, मन में रहोगे तो अपने से दूर भटकोगे। इंद्रियों में रहने से विषयों के प्रति आकर्षण, मन में रहने से प्रश्न उत्पन्न हो जाते, इतने प्रश्न, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, अरे मारो गोली। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप हमको डांटना मत, में ठीक है नहीं डांटो, बोलो बोले रामायण में आता है कि भगवान राम ने वाली को पेड़ के पीछे छुपके मारा, ऐसा क्यों, वो तो भगवान थे ना। हमने कहा राम को परेशानी नहीं, वाली को परेशानी, तुम क्यों परेशान हो। कोई जरूरत है जानने की? आप कोई भी प्रश्न ले लो, एनी क्वेश्चन यू टेक, हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। केवल एक ही वस्तु ऐसी है जिसके बारे में आपके मन में आज तक कोई प्रश्न आया नहीं, और कोई प्रश्न आएगा नहीं, और वो वस्तु है आपका अपना होना, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये विकल्प कभी नहीं आ सकता। इसमें निष्ठावान होकर के रहना, इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। फिर भगवान शंकराचार्य के शब्द समझ में आते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। देखो इसलिए अनाम रूपम सकलम, तो रूप रंग से हटे दृष्टि में आए उसका कोई रूप नहीं रंग नहीं, इंद्रियों से हटे मन में आए मन का कोई रूप नहीं रंग नहीं आकार नहीं विकार नहीं प्रकार नहीं संस्कार नहीं। और मन से निकल गए उस चैतन्य में, जो मन उस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, तो उसमें क्या होगा। इसीलिए अनाम रूपम सकलम सन्मयम चिन्मयम परम, और अपना जो होना है और अपने को होने का भान होना है, ये दो भिन्न नहीं है। सत्ता और चैतन्य अलग अलग नहीं है, मैं हूं और मैं जानता हूं, ये होना और जानना ये युगपत है, साइमल्टेनियस है, एक के बाद एक नहीं है। There is no sequence in this knowledge. It is a simultaneous experience. I am and I know I am. ऐसे थोड़ी है, हाँ मैं हूं, थोड़ी देर के बाद देखता हूं है कि नहीं। अरे आपको एक कदम और आगे ले चलते हैं, देखो सब आपका सच्चिदानंद खत्म हो जाएगा। आप संत ज्ञानेश्वर का अमृतानुभव पढ़ो, उसमें देखो कैसे मजा आता है। भगवान को हमने अनेक गालियां दी है, उसमें से एक गाली है सच्चिदानंद। वो सिंपल बात है, यदि मैं 25 बार कहूं
अरे भाई मैं आदमी हूं, मैं औरत नहीं हूं, मैं आदमी हूं यार, देखो ना दाढ़ी है, मैं आदमी हूं, मैं औरत नहीं हूं। अब किसी ने मुझे औरत कहा नहीं और मैं कहे जा रहा हूं, तो लोगों को ना होते हुए भी डाउट आने लगेगा ये ऐसा क्यों कह रहा है। इसी प्रकार से कभी हमको ये अनुभव है क्या कि मैं नहीं हूं? यदि अपने अभाव का अनुभव नहीं है तो मैं हूं ये कहने की आवश्यकता है क्या? तो सत की क्या जरूरत है? देखो महाराज, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से आपकी वाणी मन सब गड़बड़ होकर के वापस आ जाते हैं। इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, परमात्मा का प्रकटीकरण मौन से होता है, बोलने से नहीं होता। और ये मौन भी ऐसा नहीं है कि मुंह में पट्टी बांध ली बोलेंगे नहीं, ये जो होता है ना गिरा मौनम तो बाला नाम। एक बार हम गए थे हरिद्वार, हमारे मित्र के साथ जा रहे थे रिक्शा में बैठ के। हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी इस आश्रम में बड़े महात्मा है दर्शन करेंगे, चलो हम पत्थरों के दर्शन करते हैं, महात्मा की क्यों नहीं, चलो हम गए। जिस महात्मा के पास सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो जैसे हम वहां गए तो वहां के सेक्रेटरी ने कहा नहीं 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 महाराज जी उपलब्ध नहीं है, उनका मौन है। ठीक है डांटो मत, हम जा रहे, प्रणाम करके निकले। उनके कमरे को ही प्रणाम किया और क्या कर सकते हैं। और प्रणाम जो होता है ना वो ब्लूटूथ के जैसा निकल जाता है कुछ। तो हम बाहर गए, फिर वो सेक्रेटरी दौड़ के आया, हमको कहता है कि रुक जाओ। अरे क्यों महाराज ने आपको बुलाया? अरे कैसे बुलाएंगे, वो तो बोल नहीं रहे। बोले बोलो मत ज्यादा, चलो आप। हमें ठीक है गए। तो हमने कहा हमारे कमांडर को चलो भाई निकलते हैं। नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, आप जाओ अकेले। वो डांट डांट के बोल रहा था। हमने कहा भाई एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर सेक्रीफाइस। और वो बाबा जी बड़े मोटे थे, मोटे आसन पर, शेर सूर के आसन पर सब बैठे हुए थे ऐसे। महात्मा माने महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। तो हमको एक प्लास्टिक की कुर्सी दे दी, हम प्लास्टिक ब्रांड है प्लास्टिक में, और उन्होंने लिखा आपका नाम क्या है? कुछ ना कुछ तो लिखना ही, गड़बड़ आनंद लिख दिया। फिर पूछा आप कहाँ रहते हो? अब कुछ ना बोलना ही है, लिख दिया वृंदावन। आप वृंदावन, फिर यहाँ कहाँ रहते हो? वो भी हमने लिख दिया। अब वो लिख रहे, हम उत्तर लिख के दे रहे, हम भूल गए कि हम बोल सकते हैं। और फिर जब हमको याद आया तो हमने हंस दिए, और उनको भी समझ में आया कि मैं बोल सकता हूँ क्यों नहीं बोल रहा, वो भी हंस दिए, हम दोनों जोर से हंसे। फिर मैंने पूछा कि महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? ये जो मौन होता है ना ये कार्टून है, इसके चक्कर में मत पड़ना। भगवद गीता को पढ़ते हो तो भगवद गीता कहती है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की तपस्या है, अपने आप से मत बोलो, दुनिया से जरूर बोलो। हम दुनिया से नहीं बोलेंगे, अपने आप बोले जा रहे। इसीलिए मेडिटेशन वाले बाहर बोर्ड लगाते हैं कीप क्वाइट वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। देखो तो अनाम रूपम सकलम सन्मयम चिन्मयम परम कुतो भेद कुतो बंधः। अब जहां भेद ही नहीं है तो बंधन कहां से आएगा? बंधन के लिए दो की आवश्यकता होती है। देखो जहां केवल एक है वहां बंधन नहीं है। यूके में एक हमारा रिट्रीट हो रहा था, एक सज्जन बुढ़ाऊ बड़े सिंसियर थे, उन्होंने मुझे पूछा मिस्टर स्वामी यू पीपल फ्रॉम इंडिया यू डोंट गेट मैरिड। तो मैंने बोलने के पहले ही उन्होंने कहा
आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. ट्यूबलाइट लग रहे कुतो भेद कुतो बंधा इति वेदांत डिंडिमा. कहां भेद है, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है. डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ. लाइफ इज जस्ट ए फन. भगवान ने ये दुनिया दुखी होने के लिए नहीं पैदा की, ये तो टाइम पास करने के लिए पैदा की उन्होंने. उन्होंने सोचा एको हम अकेला बोर हो रहा हूं, बहुत श्याम अनेक हो जाऊं, और फिर उन्होंने ये टाइम पास करने के लिए दुनिया बनाई. अब देखो, यदि आपको ऐसा सिनेमा या नाटक हो, लड़का आया लड़की आई, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों प्यार में गिर गए, दोनों उनके उनके माँ बाप के पास गए, मामा मामा पापा पापा मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करनी चाहते हो, दोनों ने कहा ठीक है शादी करो निकल जाओ, ड्रामा खत्म. आया मजा? लड़का आया गार्डन में, और वो गार्डन में ऐसा पेड़ था जिसकी एक डाली ऐसी यू टर्न होकर के जमीन को लग जाती थी, और यहाँ ये लड़का खड़ा था, चिंतन कर रहा था कौन आएगी कौन आएगी. उधर से लड़की आई, और उतने में वहां गब्बर सिंह आ गया और लड़की को छेड़ने लग गया, और ये लड़का गया डिशिंग डिशिंग 15 मिनट तक चलता, और फिर डायरेक्टर ने कहा अब तुम चले जाओ, गब्बर सिंह कर गया. तो उसको यहाँ चोट आई थी, और पता नहीं यही क्यों आती है यहाँ आती चोट. फिर उस लड़के ने फरार से अपनी सारी फारी और वहां लगा दी साईं बाबा के लिए, और फिर दोनों गए. लड़का कहता है कि मैं अपनी माँ से, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ. माँ कहती है तू यदि इससे शादी करेगा तो तुमको मेरे मुर्दे पर से आगे जाना पड़ेगा. टेंशन में अटेंडेंट. फिर लड़का कहता है मम्मी तो बहुत लेट हो जाएगी, तुम तो जल्दी मरोगी रे. देखो लाइफ में थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है. बंगाली होके भी आप कंटिन्यूअसली रसगुल्ला नहीं खा सकते, बीच में चटनी चाहिए. लुक एट लाइफ इन दिस टोटल पिक्चर, तब जीवन में मजा आ जाता. इसलिए न तत्वात् कथ्यते लोको नामादि व्यभिचारतः बटुर जरठ इत्यादि इति वेदांत डिंडिमः. हम किसी को कह दे बच्चा है बड़ा है मोटा है पतला है, ये सब का सब जो है देह को लेकर के संबोधित हो रहा है. देखो स्त्री है पुरुष है, ये देह को लेकर के. एक लड़की थी एथलीट, उसको बहुत ब्लीडिंग हो गया, तो उसका हस्बैंड मेरे पास आया, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड थे. तो ऐसा ऐसा हो गया, हमने कहा तुम अपने भगवान को प्रार्थना करो मेरा खून लग जाए उसको. हम गए खून दे दिया, वो मरते मरते बच गए. फिर 15 दिन के बाद मैं उसको मिला, हमने कहा कैथी बोतल कैथोलिक लीकर हिंदू. देखो ये जो है ना, जब तक के देह में हम फंसे हैं तभी तक ये सब चलता है. इसीलिए न तत्वात् कथ्यते लोकः, लोग तत्व की दृष्टि से नहीं कहते कि आप स्त्री हो पुरुष हो जवान हो बूढ़े हो, ये तो केवल देह को लेकर ही है. और इसीलिए बूढ़े लोग बड़ा पैथेटिक जोक मारते हैं. वन बूढ़ा हो इन कलकत्ता आस्क दिस क्वेश्चन, कैन यू टेल मी वॉट इज माई एज. तो मैंने उसको देखा, मैंने 3 साल, क्योंकि ऐसा बेवकूफ प्रश्न 3 साल का बच्चा ही पूछ सकता है. नहीं 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 बताओ बताओ. हमने कहा अंकल यू आर एक्चुअली 81 years यंग एंड देयर फॉर यू शुड बी कॉल्ड एज 18 years ओल्ड. इतना खुश हो गया बुढ़ाऊ, फुदकने लग गया. अब क्या प्रूव करना है दुनिया के सामने? गर्दन के ऊपर में स्वीट 16, गर्दन के नीचे हैंगर पर लटक रहा,
महाराज कब तक इसमें रहोगे। इसीलिए उसको मेकअप कहते हैं, जो ब्रेकअप को छुपाने के लिए लगाते मेकअप। नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधा अनामत्वात् अयुक्तत्वात् इति वेदांत डिंडिमः। नाम और रूप यह युक्ति संगत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, और यह जो नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम, ये इंद्रजाल माने जादू का खेल चल रहा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं। देखो, गहरी नींद में हमारा क्या आकार होता है, हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं, हम पति है कि पत्नी है, हम पुणेरी है कि बम्बैया है, कुछ भी नहीं। वो अपना ही तो अनुभव है, माने बिना देह के साथ तादात्म्य करके भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। इसीलिए देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। देखो, इसको कहते हैं वेदांत में विपरीत भावना। देखो, विपरीत भावना का अर्थ आपको समझाए। एक बार हम जा रहे थे मायामी फ्लोरिडा से बहामा क्रूज में, और शाम का समय था, हम बाहर खड़े थे और देख रहे थे समुन्द्र की तरफ। तो हमारे मित्र आकर के कहते, स्वामी जी कैन यू इमेजिन यहाँ कितना गहरा पानी होगा समुद्र में। हमने कहा मैं गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। बोले क्या गलत प्रश्न है। हमने कहा समुद्र में पानी होता है कि पानी समुद्र में होता है। बोले क्या, हाँ समुद्र में पानी नहीं होता, पानी में समुद्र होता है। बोले स्वामी जी प्लीज डोंट ड्रिंक वेदांत, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। लेकिन चिंतन करो, समुद्र वस्तु है कि पानी वस्तु है, वही चीज अपनी है। हमको लगता है हम देह में है, हम देह में नहीं है, देह हम में है। जब देह के साथ तादाद में नहीं होता तब भी तो हम रहते हैं ना, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में। तो हमारे कारण देह है, हम देह के कारण नहीं है। लेकिन ये विपरीत भावना हो गई कि मैं देह के अंदर हूं। और ये जो मेडिटेशन वाले बताते हैं आपको, हाँ अब बैठ करके जो है ना, यहाँ भ्रू मध्य में देखो या नाक के कोने में देखो, और फिर चक्कर आता है। अब नाक के दो एंड है, एक ये है एक वो है, कहाँ देखे, कहीं भी देखो हेडेक गारंटीड है। नहीं तो कहेंगे आप अपने हृदय में देखो, फिर ऐसा ऐसा करते रहेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है। निकल जाओ इस देहात्म भाव से, देह हम में है, हम देह में नहीं है। देखो, जैसे जैसे आप देहात्म भाव से मुक्त हो जाओगे, वैसे वैसे आपके अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय ईर्ष्या सब का सब अपने आप गायब हो जाए। इसीलिए नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधा, जो ज्ञानी है, जो स्वरूप में निष्ठावान है, उनको पता है ये सब इंद्रजाल है। जैसे हम लोग नाटक देखने जाते हैं, तो जिनको मालूम है कि ये नाटक है वो एंजॉय करेंगे, और जिनको मालूम नहीं वो जाएंगे रोएंगे वहां। अब वो जो एक्टर है वो स्टेज पर रो रहा है, लेकिन वो नाटक कर रहा है, रो नहीं रहा है। और ऑडियंस जो है वो टिश्यू पेपर निकाल निकाल के रो रहा है। और हमको कोई भी प्रश्न पूछते हैं लोग। एक ने पूछा, स्वामी जी आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही जबरदस्त है, ये बताइए आजकल की ये लड़कियां जो है ये रोते समय नाक से क्यों रोती है, टिश्यू पेपर निकालेंगी और ऐसा ऐसा करेगी, ऐसा क्यों करती है। मैंने उनको पूछो, बोले देनी हमको नहीं पूछना है, आप बताओ। हमने कहा इसका एक कारण है, यदि आंखों को पूछेगी तो आई लैशेस निकल जाएंगे।
हर चीज आर्टिफिशियल है ना। आप देखो एक की निकल गई एक की रही है। तो जब ये एक्टर रो रहा है स्टेज पर, खूब जोर जोर से एक्टिंग कर रहा है और ये ऑडियंस में भी फुसफुस कर रहे रो रहे, तो उस समय एक्टर के मन में मालूम है क्या चलता है, अरे बेवकूफ हो, आप पैसे दे करके रो रहे हो, असल में मैं पैसे लेकर के झूठ मूठ रो रहा हूं, ये नाटक है। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, लाफ एट द लाइफ। देखो भगवान ने मनुष्य को केवल हंसने के लिए पैदा किया, इसीलिए जो हंसते नहीं भगवान अपनी गलती सुधार रहे। नाम रूपात्मकम विश्वम इंद्रजालम विदुर्बुधा अनामत्वात् अयुक्तत्वात् इति वेदांत निर्णिमा अभेद दर्शनम मोक्षः संसारो भेद दर्शनम सर्व वेदांत सिद्धांत इति वेदांत निर्णिमा अभेद दर्शनम मोक्षः। मोक्ष माने फ्रीडम, लिबरेशन। किससे? ये द्वैत से। जहां जहां द्वैत की दुर्गंध है वहां वहां संसार है। और ये द्वैत का प्रसंग आता है इसलिए कि हम किसी उपाधि में फंसे हैं। जैसे आकाश तो एक ही है, आकाश में अनेकता थोड़ी है, लेकिन इस आकाश को हमने पृथ्वी और सूर्य इनका जो संबंध है इसको स्वीकार करके उस आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कल्पनाएं कर ली है। और ये कल्पना होने के पश्चात फिर फेंग शुई और वास्तु आपका असर खाएगा। देखो एक बार एक महात्मा थे, मस्ती में थे अपने, उनको एक अम्मा ने कहा कि महाराज जी यहाँ भूमि पूजन करना है तो आप नरियल फोड़ो। महात्मा ने लिया और फोड़े ले, महाराज जी रुको रुको रुको, पूर्व दिशा इस दिशा में नहीं है, इधर है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके फोड़ो। उन्होंने कहा मैं जिस दिशा में देखता हूं वो पूर्व होती है। देखो हम ऐसे फंसे हैं इस चक्कर में, निकल जाओ महाराज। इसीलिए अभेद दर्शनम मोक्षः, जो आकाश को देख रहा है उसके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई मतलब नहीं, जो जीवन को देख रहा है उसके लिए मेरा तेरा कोई चक्कर नहीं है। देखो डिस्कवर द कॉमन डिनोमिनेटर, और वो केवल एक है, अभेद दर्शनम मोक्षः संसारो भेद दर्शनम। जहां जहां आपने भेद का दर्शन किया है वहां संसार है। और भेद कब होता है? केवल जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से कार्य करते हैं तब भेद का दर्शन होता है। और भेद का कारण दो बातें हैं, एक नाम दूसरा रूप, दो ही बातें हैं। ये दो बातों का तिरस्कार कर दो, नाम का और रूप का, आपका मन गायब हो जाएगा। देखो भेद दर्शन संसार कैसा होता है, हमने इसलिए आपको कहा ना कि आप लोग हमारे गुरु हो, हमने आप ही से सीखा। अमेरिका की बात है, हम किसी के यहाँ गए, बोले स्वामी जी आज तो आपका सत्संग नहीं है, आप आराम कर सकते हो, नहीं तो शाम को हमारे लड़के का एक प्रोग्राम है तो वहाँ हम जा रहे हैं, आपको चलना है? मैं चलो हम भी चलते हैं, बैठ के क्या करेंगे, हम गए। अब उस अम्मा ने कहा, बच्चों का प्रोग्राम था कुछ तो भी, सब बच्चे जानवर बने थे, कोई हाथी बना कोई घोड़ा बना कपड़े पहन करके, और उनके डायलॉग जैसे हो रहा था। तो मुझे बताया था स्वामी जी जो हाथी है ना वो मेरा लड़का है ना, बहुत बढ़िया, और वो लेकर के अपना कैमरा हाथी पर घुमा रही है, हाथी पर घुमा रही है वीडियो कैमरा, सब कुछ हो गया। होने के बाद जब खत्म हो गया तो
जब लोग बाहर आ गए, उसका लड़का आया बिना हाथी का चेहरा पहन के, तो जो डायरेक्टर था कोरियोग्राफर उसने कहा ये जो है ना ये घबरा गया था लास्ट मोमेंट पर, इसीलिए मैंने किसी दूसरे लड़के को हाथी का चेहरा पहना कर खड़ा कर दिया। अब जो ये हाथी का लिया था वीडियो गायब। जब तक मालूम नहीं था अभेद दर्शनम मोक्षः, she was enjoying, जहां पता चला ये मेरा पुत्र नहीं था, मेरा पुत्र इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता, इसीलिए दुखी बन गई। देखो महाराज, अभेद दर्शनम मोक्षः, संसारो भेद दर्शनम, इसीलिए हर एक में जो कॉमन डिनोमिनेटर वो देखने का प्रयत्न। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उदासीन रहे सबके साथ, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब तक काम है तब तक हाँ हाँ करो, निकलने के बाद पूरी निकल जाओ, डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड। 100% उपलब्धि को शुद्ध प्रेम कहते हैं, 100% उपलब्धि को गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, 100% उपलब्धि को परमात्मा का दर्शन कहते हैं। केवल इतना ही है, वी हैव टू रिमेन 100% ऑन द टाइम। हमारी स्थिति क्या है, एक दिन के टुकड़े हजार हुए। एक लड़का था, पुना का ही लड़का, उन दिनों वो बंबई में रहता था, बहुत डिफरेंट टाइप का, एकदम थियोरटिकल लड़का था। थियोरटिकल माने मुझे जो नमस्कार करता था, परम पूजनीय स्वामी जी प्रणाम, आप मुझे मेरे माता जी को, पिताजी को, दादाजी को, दादी जी को, चाचा को, चाची को, सबको सुखी प्रसन्न और स्वास्थ्य से युक्त रहने के आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको चरण स्पर्श करके नमस्कार कर रहा हूँ। थियोरटिकल, ऐसा कोई बच्चा बात कर रहा है, और गंभीर रहता था। एक दिन कई सत्संग चल रहा था, वो परम पूज्य स्वामी जी मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूं। यार यही बड़ा जोक है, तू जोक सुना रहा है। और उसने जोक सुनाया, ये जोक सुनाया था, एक दिन के टुकड़े हजार हुए, एक बोरीवली में गिरा, एक मालाड में गिरा, एक कांदीवली में गिरा, एक जोगेश्वरी में गिरा। तो उसकी माँ ने कहा, चुप क्या कह रहे हैं तुम, बोले अभी हजार कहाँ हुए। पूरे हजार की गिनती करेंगे, कहाँ कहाँ गिरी है टुकड़े। इस समय आप साक्षात परमात्मा हो, यही परमात्मा का दर्शन है। देखो संतो, भगवान का दर्शन माने कोई एबनॉर्मल नहीं होता, यू आर मोर देन नॉर्मल। जब आपने ये आनंद लिया, उस समय उस आनंद के अनुभूति के समय आप स्त्री थे या पुरुष थे, जवान थे कि बूढ़े थे, पढ़े लिखे थे कि अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं थे, आप केवल थे। ये केवल जो होना है यही वेदांत का दर्शन है, इति वेदांत निर्णिमा। लेकिन हमको ये बनने का ऐसा रोग बना है, लगा है। छोटे बच्चे को भी पूछते हैं, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, और फिर वो कहता है, एक बच्चे को पूछा, स्वामी जी ये जो गार्बेज का ट्रक आता है ना, उसमें वो हाथ होते सब मैकेनिकल, ऐसा उठा करके उसमें डालते, उसको इसमें बड़ा मजा आता था। और स्वामी जी मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं गार्बेज का ट्रक चलाऊंगा। उसकी माँ बोल रही थी, अरे राम राम कोई दूसरा बोल रहा। देखो बनना है कुछ, मुझे इसीलिए मजा आता है। एक माँ अपने लड़के के बारे में बोल रही थी, स्वामी जी मेरा लड़का ये जो रामायण ना पूरा कंठस्थ है उसको, आप कुछ भी पूछ लो पूरा याद है। अच्छा पूछो, वो मेरी परीक्षा ले रही थी, पूछो। तो मैंने ठीक है, अच्छा बता
रामायण में तुमको सबसे बढ़िया कैरेक्टर किसका लगा और तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, मैं रावण बनना चाहता हूं। उस समय उसकी माँ का चेहरा देख लीजिए। आप बने रामायण सुना हो, लेकिन वो देखना क्या चाहता है? न मता भी निवेशित्वात् न भावा न भाषा वेश मात्रतः मुक्तिर विनात्म विज्ञानात् इति वेदांत रिंडिमः। न मत अभिनिवेश, मत अभिनिवेश माने हम द्वैती है, हम विशिष्ट अद्वैती है, और हम इस पंथ के है, उस पंथ के है, हम वारकरी है और हम रामदासी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, इट मेक्स नो डिफरेंस। उसी में फंसे रहते न मत अभिनिवेशात न भाषा वेश मात्रतः। देखो, ये भाषा को लेकर के ही जो पूरा हिंदुस्तान बढ़ गया है। अरे कोई भी भाषा में बोलो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, लेकिन नहीं, हम मराठी में बोलेंगे। और पुणेरी आदमी जब गुस्सा करता है ना, तब हिंदी में बोलता है। देखो, एक पुणेरी आदमी दिल्ली में था, चावल खा रहा था, किसी होटल में गया, और अब चावल में पत्थर पुत्थर तो आ ही जाते, इसको गुस्सा आया, इधर आ इधर आ। वो आ गया लड़का, चावल में क्यों खड़ा है? बोले, मैं तो बाहर खड़ा हूं। कोई जरूरत है राष्ट्रभाषा में ही झगड़ा करना? देखो सुन तो, न मत अभिनिवेशित्वात् न भाषा वेश मात्रतः। और वेश, ये ब्रांड के वेश होते हैं। देखो, अमुक ही होना चाहिए और इस प्रकार से ही होना चाहिए। आप रुद्राक्ष की माला लेकर के कृष्ण का जप नहीं कर सकते। हम कहा थे, नेपाल में थे, पशुपतिनाथ के मंदिर के पास, तो हमको किसी ने कुर्सी दे दी, हम बैठ गए। दुकानदार बड़े चालू होते, तो हम वहाँ बैठ गए, तो बाकी की पब्लिक हमारे साथ आ गई। तो वहाँ दुकान में उसका दुकानदारी का काम हो रहा था, उसने मुझे एक चाय पकड़ा ली, मैं चाय पी रहा था। एक अम्मा गई अंदर में, घूम घाम करके एक माला ले गए। बोले, स्वामी जी, ये डिफरेंट टाइप की माला है, इसका क्या अर्थ है? एक जो मणि था स्फटिक, एक रुद्राक्ष, एक तुलसी और एक और कोई था, पाचू या कुछ तो भी था, चार प्रकार के थे, ऐसी अल्टरनेट उसकी माला थी। स्वामी जी, इसका अर्थ क्या है? हमने कहा, ये हाइब्रिड माला है। इससे क्या होगा, स्फटिक होने के कारण पैसा मिलेगा और रुद्राक्ष होने के कारण खर्चा हो जाएगा। उसी में फंसे हैं। देखो, आप कौन सी भी माला लो, क्या फर्क पड़ता है? ना भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या भगवान दिख रहे क्या? सोने की एक ही चांदी नहीं। देखो, न भाषा वेश मात्रतः मुक्ति विना आत्मविज्ञानात्। जब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, यह बाहर का आडंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके लिए हमने दो केवल चीजें आपको बताई है, हम 25 बार रिपीट करेंगे। पहली बात, देहात्म भाव से निवृत्ति। दूसरी बात, जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। देहात्म भाव की निवृत्ति होने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है। धर्मते विरति, यदि हमने धर्म के अनुसार जीवन जिया तो हृदय में वैराग्य का प्रकट होना स्वाभाविक है। और यदि वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो हमने धर्म का जीवन जिया है दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, वैसा गलत है। जो व्यक्ति धर्म का जीवन जीता है उसमें अपने आप वैराग्य प्रकट हो जाता है। देखो,
सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय आत्मा प्रमलः। जैसे जैसे धर्म का जीवन जीना माने अपना स्वयं पर स्वेच्छा से नियंत्रण लाना। देखो धर्म के अनुसार हमको अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं। नित्य कर्मों में आता है सुबह सूर्योदय के पहले उठना है, ये धर्म का जीवन है। यदि आप ये शुरू कर दो तो अपने आप बिस्तरे से जो प्रेम है वो निकल जाएगा। और अभी हमारी स्थिति क्या है, 8-9 बजे तक सोते रहते हैं। और एक पुराण है उसने बताया है जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वो अगले जन्म में खटमल बनता है। कौन से पुराण में है ये? खटमल महापुराण में। धर्म का जीवन जियो तो वैराग्य स्वाभाविक है। देखो इस प्रकार से देहात्म भाव से उठने के लिए धर्म का आधार ले, और जीवात्म भाव से ऊपर उठने के लिए चिंतन की शरण ले, चिंतन करे। जब भी आप दुखी होते हो देखो कौन दुखी है, तो आपको पता चलेगा हरेक दुख के मूल में एक व्यक्तित्व बैठा है। पति पत्नी भाई बहन सास ससुर पड़ोसी गवर्नमेंट समबडी इज देयर, उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। और ये जो दुखी हो रहे हैं इनकी कहीं सत्ता नहीं है। देखो तो ये दो बातें, धर्म के द्वारा देहात्म भाव से ऊपर उठने का प्रयत्न और चिंतन के द्वारा जीवात्म भाव का त्याग, इस प्रकार से मुक्ति विना आत्मविज्ञानात् न भवति इति वेदांत निर्णयः। तो यही वेदांत का सिद्धांत है, उद्घोष है। न काम्य प्रतिषिद्धा भी क्रियाभिर मोक्षवासना ईश्वरानुग्रहात् सा स्यात् इति वेदांत निर्णयः। हमारे मन में जो कर्म के प्रति अनावश्यक महात्म्य है उसको इसमें बताते हैं। हमने अच्छे कर्म किए लेकिन देखो हमको क्या मिला। किसने कहा आपको कर्म अच्छे करने के लिए? देखो महाराज ये जो कर्म के सिद्धांत है इसमें हम जो फंसे हैं उसमें से अपने को निकल जाना है। तो कल तक फंसे रहो, कल निकल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।